नवी शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर, जहां पर हर सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ लगती है, तो वहीं प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल हो या काशीपीठ, गोलामठ मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। वह पूरे मंदिर को दूधिया रोशनी से नहला दिया जाता है। शिवरात्रि आने के पहले ही बाबा के दरबार को सजा दिया जाता है। आइए, एक प्राचीन मंदिर है, यह पूरे मंदिर पत्थर से बना हुआ है। गोलामठ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है और मंदिर के बाहर नंदी भगवान की पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर की दीवारों में आपको नक्काशी देखने के लिए मिलेगी, जो पत्थर पर उकेर कर की गई है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह मंदिर एक रात में तैयार किया गया है। आप यहाँ पर जाकर इस मंदिर की सुंदरता को देख सकते हैं। हैनागर शैली में निर्मित पूर्वाभिमुख पंचरथी मंदिर की लंबवत योजना में अधिष्ठान जंघा, शेखर एवं तल योजना में गर्भगृह, अंतराल एवं स्तंभों पर आधारित मुख्य मंडप प्रमुख अंग है। मंडप की छत सतदल कमल अलंकरण युक्त है। इसके स्तंभों का निचला भाग अष्टकोण एवं ऊपरी भाग षोडशकोणीय है। स्तंभ शीर्ष गोलाकार है, जिनके ऊपर भार वाहक कीचक है। मंडप में गर्भगृह किये नदी आसीन है। गर्भगृह का द्वार सघन रूप से अलंकृत है। द्वार शाखा के निचले भाग में नदी देवियां गंगा यमुना का अंकन है। रूप स्तंभ में मिथुन युगल तथा शीर्षदल पर ललाट बिंब में शिव उत्कीर्ण है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बाहरी भाग में जंगा प्रतिमाओं से सुसज्जित है। सभी मंदिर कलचुरी कालीन है। मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।